My place. कल तेरा शूट है ना कंपी। अब बाय। एक्सक्यूज मी, वन मोर लार्ज देना। हाय हाय। एंजॉय कर रही हो? या अकेले? ऑफ कोर्स, मुझे ऐसे ही पसंद है। ओह, जस्ट मी एंड मी। मुझे भी अकेलापन बहुत पसंद है। आहा, पर देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ओ, वो लोग क्या? वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। आज फ्रेंड की तरफ से ट्रीट है। सेकंड मूवी साइन की है। ये डायरेक्टर है। नाइस। अच्छा, क्या हम दोनों इससे पहले कभी मिल चुके हैं क्या? क्या बकवास प्लान कर रहा है? शिट। Yes, your drink, sir. Thank you. आपके मिड टाइम में मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? Hey, hey, go easy, okay? You're very high already. High? पता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं तुम्हारी तरफ से नो समझूं? नो समझ ही लेता हूँ। तुम्हारे मिड टाइम में उस मी के साथ एंजॉय करो। बाय। Well, actually, I'm waiting for my boyfriend. झूठ। Hey, मैं सच बोल रही हूँ। तो तुम अपने boyfriend का number दो। क्यों? मैं उसको phone करके कहूँगा
कि इतनी खूबसूरत लड़की को भला तू वेट क्यों करवा रहा है। पनिशमेंट के तौर पर उसको वापस घर भेज दूंगा। मल्लिका, मल्लिका वर्मा। मल्लिका वर्मा बहुत ही खूबसूरत नाम है ये। इस जमाने में कौन ऐसे नाम रखता है। मदन। मदन, मदन अरोरा। मदन अरोरा। वैसे बॉयफ्रेंड वाली बात तो झूठ थी ना। पता है पता है। ठीक है चलो मेरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ। वेट, नहीं नहीं रहने दो। जस्ट यू एंड मी। ओके। अरे क्या हुआ। फोन कट कर रहा। फिल्म मेकर। I'm sorry? फिल्म डायरेक्टर। झूठ, तुमने कहा था कि तुम्हारा फ्रेंड डायरेक्टर है। कसम से मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। 3 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूँ। अभी खुद की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। वाओ, बधाई हो। I'm a writer too. ए झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास तो झोला है ही नहीं। तुम क्या अपने हाथों को हमेशा ऐसे ही रखते हो। मैंने विश्वास किया ना। तुमने खुद को राइटर बोला, मतलब हम दोनों एक ही बिरादरी के हुए। एक्चुअली सच बोलूं तो मेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट 10 दिन की शूटिंग करके रोक दी गई। खैर छोड़ो ये सब। Hey, relax. I'm sorry. वैसे अभी तुम क्या लिख रही हो। एक बुक पब्लिश की है। नाम। इतनी फेमस नहीं है एक्चुअली। तुमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अदृश्य तूफान। ओह, मुझे पता नहीं है, सॉरी। वैसे मैं ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ ना। सो फिलहाल तुम क्या लिख रही हो। ट्राई ही कर रही हूँ। आई डोंट नो, कुछ मिला नहीं। यू नो दैट स्पार्क, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। राइटर्स ब्लॉग। पता है, आई नो, हजार बातें सोचते हैं मगर लिखते वक्त कुछ नहीं आता है। यू नो व्हाट, आज हम दोनों का मिलना लिखा है। तुम्हें ऐसा लगता है। यस, यू नो, जस्ट यू एंड मी, दोनों मिले और फिर उसके बाद। मल्लिका, ए मल्लिका, हाँ।
तुमने ऐसा क्यों किया? Hey, who are you? आंटी huh? नहीं, मल्लिका आंटी के लिए कुरियर लाया हूँ। मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? सॉरी मैडम, मल्लिका आंटी के लिए। Hey, excuse me. मैडम, वो भी मेरी तरह जवान लड़की ही है। मेकअप उतारने के बाद सब एक जैसी दिखती हैं। बेल बजाई तुमने? दो तीन बार बजाई ना आंटी। हाँ सॉरी मैडम। क्या आंटी? ठीक है, मुझे दे दो, मैं बाद में उसे दे दूंगी। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार उनसे पूछ सकता हूँ क्या? ओके, मेक इट क्विक, मेरे योगा क्लास का टाइम हो रहा है। बिछा के सोने के लिए कितनी उतावली हो रही है। स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ है? एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ। मैडम, ऑफिस से फोन अटेंड कर लूँ? हेलो सर, कूलिंग सर, कूलिंग सर, इफ यू डोंट माइंड, आप चाहें तो हमारे ऑफिस में जाके कुरियर ले सकते हैं सर। सर सर सर, गाली मत दीजिए सर, गाली मत दीजिए, मैं आता हूँ ना सर। फाइव मिनट सर, फाइव मिनट सर। ओके सर, ओके सर। ये तीन मिनट में छह हीरोइन की रिएक्शन दे रही है। मैडम, ये कब आएंगी पता है? और इनकी पहचान का कोई है क्या? मुझे क्या पता ये कब आएगी, बस इतना पता है कि ये लड़की यहाँ पर अकेली रहती है, कोई रिश्तेदार नहीं है। और हाँ, एक और बात, ये हमसे कभी भी ढंग से बात भी नहीं करती। अरे मैडम, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज, प्लीज। तुमने ही डिटेल्स मांगी इसलिए दी। ब्रो 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 ब्रो, एक मिनट एक मिनट। हाँ मल्लिका, हाँ मैंने डिलीवरी बॉय से बात कर ली है, बोलो तो उससे बात करवा देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, वो मीटिंग में है, आपसे कुरियर लेने को बोला। अच्छा, मैं कुरियर ले लेता हूँ। मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ था। लैंडलाइन, ऑफिस लैंडलाइन। और तुम कौन हो? मेरे फ्लोर पर रहते हैं, K7, राइट? हाँ हाँ सही कहा, K7, K7। मैंने कहा था ना, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं। लेकिन चाहिए तो आप इनको दे दो ना। हाँ ओके, नहीं नहीं, हाँ, दे नहीं, मुझे। लेकिन कोई आपको तो योगा क्लास के लिए लेट हो रहा होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, एक काम करो तुम्हें नहीं दे दो। हाँ, मुझे जाना है। हाँ ठीक है, मैं ही ले लेता हूं। यस, योगा क्लास जा रही है ना? हाँ। सीढ़ियों से उतर के जाइए, वार्म अप हो जाएगा ना। लिफ्ट से क्यों जा रही है? लिफ्ट में योगा करते हुए जाऊंगी। लिफ्ट में योगा करेगी, अंदर ही उल्टी हो जाएगी। अपने को क्या लेना, पार्सल? अच्छा तो फिर इस पर साइन कर दो। हाँ। आपका नाम क्या है? राम। अच्छा, कलयुग के राम।
मैं क्या हूँ? आंटी ने तो केशव बताया था। वो K7 डोर नंबर K7। अच्छा वो पागल डोर नंबर बता के गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो पहले अपना लाइसेंस दिखा। ये लो लाइसेंस। हाँ वही तो मांगा था। एक मिनट सर, आ रहा हूँ सर, बाइक में आ रहा हूँ सर। सर मैंने नहीं थूका सर, पास में कोई बाइक से जा रहा था उसने थूका है सर। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ सर, ऑनर था कैसे उल्लू बनाया उसको मैंने। तो मैं जा रहा हूँ। इंक्वायरी तो अभी स्टार्ट हो रही है, रुक जा। तिलक चंद्रमोहन ब्रो, ये क्या है, तिलक चंद्रमोहन लिखा है इस पे। राम निकने में घर में बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, पड़ोसी भी इसी नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं आंटी लोग, क्या बुलाती, वो सब नहीं लिखने का है। सॉरी निकनेम कुत्ते पे लिख रखते हैं अपना निकनेम, रखकर उनको बदनाम मत करो। छी ये लो, लाओ। सॉरी भाई, थैंक्स, थैंक यू। शक्ल देखिए। थैंक यू। ब्रो क्या तुम्हारा नंबर क्या है? 9597 592 672। ओ, कचरा नंबर। शक था क्या? कसम से, जाकर आईना तो देखो। ओके बाय। ये क्या आंटी लिफ्ट में योगा की चढ़ाई छोड़ के चली गई? पहले मुसीबत कम थी जो ये भी आके गले पड़ गया। Go, go. My place. चलो ना, चलते हैं ना। संभल कर यार, देख बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिला है, ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस मत कर। मदन स्क्रीन प्ले सुपर्ब है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहली फिल्म में इतना ज्यादा बजट थोड़ा मुश्किल है। पहले 10 दिन की शूटिंग करने के बाद हमें बंद करना पड़ा था। सर वो क्या? ऑफकोर्स इट्स नॉट योर मिस्टेक। बताता हूँ, ये राशि शुभ अशुभ देखने का फील्ड है, सिंपली एक लाइन में बता दो, लेकिन 2 दिन देता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं प्रोजेक्ट उसको दे दूंगा। 1 साल से फॉलोअप कर रहा हूं, अच्छी कहानी लिखी है, इसीलिए चांस दे रहा हूं मैं। अगर सब इंप्रेसिव रहा तो फौरन शुरू कर देंगे, बट जस्ट 2 डेज। गलत मत समझना मदन, ये सेकंड चांस भी तुम्हारे पापा की वजह से दे रहा हूं तुम्हें। 20 साल से को डायरेक्टर रहकर भी चलो ठीक है, तुम परसों आ जाओ। ओके कर देते हैं, अब तुम जाओ। भैया, हे तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए? हाँ जाओ जाओ। क्या बात है भैया, अलग सेटअप लग रहा है। अबे आओ ना यार, जाने दे यार। ए ये सब क्या है यार? राइटिंग है यार, राइटिंग। ये ऐसी कहानी लिखता है? कहानी? हे जरा यहाँ देख, दरवाजा भी तोड़ दिया है। ये तो रोज का है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हे ये कौन है इधर छिपा हुआ है? ये अपना जैक है। जैक? अरे यार थोड़ा चिल रहा है। कौन सी बेकार है एकदम। ये देख, अरे छोड़ यार, चले जा। हां तुम दोनों का शूट नहीं है? कैंसिल। सबको अपनी तरह मत सोचो भाई। देखो ऐसे ही बोलता है। भैया इतना मेहनत करके लिखने के बजाय मैं छपवा कर देता हूँ ना आपको, ठीक है? 4 पिक्चर उसके बाद मस्त रहना भाई। ए भाई कितना लाइन लिखता है? 2-4 उसके लिए भी लिखना। एडल्ट का बाहर कितना डिमांड है पता है ना? बजट सेट नहीं हुआ यार। अरे यार तू किसी काम का नहीं है। भाई पिक्चर छोड़ो ना। पिक्चर छोड़ने की बात की ना तो चांद से मार दूंगा। अरे यार हम जो पिक्चर देखते हैं वो अलग है और ये जो पिक्चर लिखता है वो अलग है, छोड़ना यार। अच्छा। अरे सुन भाई सब रेडी है ना? अरे सब कुछ रेडी है मेरे भाई। गुड जॉब, करता रहे। चलना चलते हैं यार। नहीं यार मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे चलना यार। अरे भाई वो दरवाजे के पीछे जो है ना वो पागल जैक की तरह होने वाला है।
तूने वो फिल्म देखी है ना जिसमें राइटर आखिरी में अपनी बीवी बच्चों को मार देता है? देखी है ना? तू अपना फिल्मी ज्ञान बंद करा। एनाकोंडा फिल्म देख के तेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तूने जब वो फिल्म देखी है तो हमने नहीं देखी होगी क्या? अबे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी मेंटल राइटर होते हैं क्यों भाई? भाई अपने यहाँ भी ऐसा ही चाहिए। अपने यहाँ भी आर्ट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों, बड़े बड़े एक्टर्स अपने रोल के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सब फिल्मों के प्रति लगाव होगा तभी तो कर सकते हैं। जाओ जिस काम के लिए आए हो वो करो। आप पागल जैक ही रहो, मैं टाइटैनिक जैक में जाता हूँ। यार तू चल ना यार। अरे मैं क्यों आऊं यार? अब क्या हुआ? अरे नहीं आऊंगा बोला ना। अबे चलना, तुझे वहां भी कहानी मिल सकती है। ए तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? अबे मैंने दूसरी फिल्म साइन की है इसलिए अच्छी पार्टी देने जा रहा हूँ और तू ऐसा कर रहा है। पता है यार, पहले फिल्म बजट ज्यादा है, नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर भी दूसरे को देख रहा है, कोई स्पार्क ही नहीं आ रहा है। थ्रिलर सीजन भी है, उसी तरह चाहिए। भाई आपको वही चाहिए क्या? उस कोरियन फिल्म से आधा निकाल कर वो फिल्म देखी थी ना? चाइनीज फिल्म से भी आधा निकाल सकते हैं ना? तुझे उठाकर बाहर फेंकूंगा तो कैसा रहेगा? अरे यार अच्छा सुन, उसे कैसे भी रेडी कर लेंगे, बस तू कूल रहे। अरे नंबर भूल गया, मैंने तुम्हें एक नंबर बोला था, याद है? 9 8 4 तुझे याद है ना? मुझे याद नहीं है यार। 9 8 4 0 9 0 2 7 2 1 थैंक यू यार, बढ़िया है। हेलो, हाँ भाई, अरे ड्रिंक्स लेकर अपने पब की पार्किंग में आ जाओ ना। ड्रिंक्स? अरे मैंने जो बोला वो इम्पोर्टेड ड्रिंक है यार। हाँ ठीक है, आता हूँ ना भाई, का भी इंतजाम। हाँ 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा भाई। ओके भाई, डन डन। खानदानी ब्यौरा है। ए, क्या हुआ रे भाई? अपनी स्पेशल ड्रिंक, धूम मचाएंगे हम लोग। ए, हम लोग पीने जा रहे हैं ना, फिर ये सब क्यों? यहाँ एक बोतल की कीमत, वहाँ एक पैक की कीमत है। करेक्ट है। मैं ट्रीट दे रहा हूँ ना, जो दिल में आएगा वो करेंगे, नाइट में जाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। कल लाइन पकड़ते हैं, है ना? क्या पकड़ने वाले हैं क्या पता। ए, ये सब तुझे ओवर नहीं लग रहा भाई? एक कहानी क्या, इसे पियोगे तो 1000 कहानियां मिल जाएंगी, पी कर देखो ना यार। सबको बिगाड़ मत। Oh my God! Hey, दोस्त, ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। Thank you. क्या बिहेवियर है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार, हैं? हर एक कहानी का एक जन्म होता है। कहानी वो साथ ही जन्म लेकर अपने साथ जीता है और साथ ही मर जाता है। ये ले। है मेरे पास बहुत है, पियो 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 पियो। अरे कमीने। थैंक यू। ये तेरा घर है ना? तेरा घर है। ओके। तो फिर मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? तेरी तो मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। सॉरी, तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट 10 सालों से फिल्म, प्यार, अपमान, नफरत, इन सब का जवाब देने का दिन आज था। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हाँ।
कौन है तू? कल रात तक तू कौन है मुझे पता नहीं था। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन फिल्म के प्रति जो मेरा प्यार है, मैंने किसी से प्यार भी नहीं किया। कल मैं नशे में आ गया था, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यस, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तू ही इन सबकी वजह है, तू ही वजह है सबकी। किसी भी हालत में मैं फिल्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहां से जाऊंगा और तेरा
Hey, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। डरा मत मुझे, मैं और तू बात करते हैं, बात करते हैं। ओके ओके। I'm sorry. Sorry, okay? मुझे यहां से निकल नहीं होगा। तुम्हारी फिक्र करने की सिचुएशन में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई ना कोई आकर तू मुझे यहां से जाने नहीं देगी। लव फेलियर है क्या? किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, सिर्फ एक बार प्यार होता है ऐसा कुछ नहीं है। लव फेलियर नहीं है, हर मुसीबत का हल अगर मौत होती तो मैं तो कब का मर चुका होता। पहली बार शूटिंग में 100 लोगों के सामने डायरेक्टर ने गाली दी थी कि तेरे पास दिमाग नहीं है। मेरी कहानी को मेरे फ्रेंड ने अपनी बताकर ओके करवाया, तब यहां तक भी ठीक है, लेकिन पहली फिल्म साइन करके अमाउंट लेकर 10 दिन की शूटिंग होकर रुक गई। पता नहीं ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूं, तू मर के मेरी जान ले रही है।
सॉरी सॉरी ओके नमस्ते सर। ये कोई आने का टाइम है क्या? फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा काम था, अभी एक घंटे में काम खत्म कर दूंगा। सुबह सर काम करने के लिए बोला था, कितनी देर वेट करना पड़ेगा? सॉरी सर, अभी काम पूरा कर देता हूँ। संभल कर हाँ। बीसवा माला है, पावर कट होगा तो कैसे चलेगा? इसके लिए बैकअप है ना मैडम? अच्छा है कि सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल का सपना टूट गया मेरा। भैया अभी आप जाओ, 10 मिनट के बाद आना। सामान उठा जल्दी। चलो भैया चलते हैं। मैडम पुलिस क्यों आई है? ए देख, कल का जो काम बच गया था ना वो भी आज पूरा करना है। यही है क्या? यस मैडम। कितने कैमरे लगे हैं यहाँ? इस फ्लोर में सिर्फ यही एक कैमरा है और नीचे K3 में एक कैमरा है, वो टूटा हुआ है। बाकी फ्लोर्स और बाकी टावर्स में? बाकी सब कुछ परफेक्ट है मैडम, नो प्रॉब्लम। इस फ्लोर में भी K3 के पास टूटा हुआ है। कोई ज्वेलरी या लैपटॉप कुछ मिसिंग है क्या? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सेफ है मैडम। उन दो फ्लैट्स में कौन रहता है? उस फ्लैट में मैं रहती हूँ और सामने के फ्लैट में डेजी रहती है। और इस फ्लैट में? यहाँ पर तिलक रहता है मैडम। ए हाय। हाय तिलक। पर तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है मैडम। घर की लेडीज से पूछ कर बताइए। सिंगल मैम। आप कौन? हाय अंतारा। ओ मैं यहाँ रहता हूँ। K13? अभी इस घर में कोई नहीं है मैडम। नहीं, मैंने मलिका की कार को पार्किंग में देखा है मैडम। बट मैंने नहीं देखा। सुकू जरा देखो क्या है वहाँ। जी अंदर कोई है ऐसा लगता नहीं है मैडम। ठीक है आ जाओ। सर मैडम CCTV फुटेज देखनी है, नीचे जाना होगा। जरूरत नहीं मैडम। तारा हाँ इसमें भी देख सकते हैं ना? देखिए मैम इसके आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां नीचे आकर ऐसे मारा होगा। ये कैमरा उस फायर एग्जिट को कवर नहीं करता ना? नहीं करता है मैडम। और टेरेस में कैमरा है? नहीं है मैडम। K13 की कार पार्किंग किस गेट पर है? गेट 3 मैडम। इस फ्लोर पर K3 का ही स्पेसिफिक कैमरा तोड़ा है। लड़की घर में नहीं है लेकिन कार नीचे है। या मैम। मैडम वो लड़की अक्सर बाहर आते जाते रहती है। हाँ तो नो मैडम, आई एम जस्ट सेइंग। कैमरा अक्सर ऐसे ही टूटता है क्या? उस लड़की को फोन कीजिए जरा। क्या हुआ? पता नहीं यार। नंबर मेरे पास है मैडम, प्लीज होल्ड ऑन। एक्सक्यूज मी मैडम। स्विच ऑफ है मैम। डोर तोड़ दे क्या मैडम? क्यों? सॉरी मैडम। जाओ उधर जाकर चेक करो, एसोसिएशन में कोई स्पेयर की नहीं है क्या, या फिर उसका कोई रूममेट? स्पेयर की के बारे में तो उनको ही पता होगा मैडम, पवित्रा नाम की दीदी रहती थी मैम।
अभी तो उन्होंने वैकेंट कर दिया मैम। मलिका दीदी अभी अकेली रहती हैं। उनके साथ कोई भी नहीं है। उस पवित्रा का नंबर है क्या? I'm already find her. She is not answering, ma'am. Try करते रहो। Hello. Hello, दीदी। I'm Tara here. Tara, I'm driving right now. I'll call you later. Madam, मैं तमन्ना, B4 स्टेशन की SI बोल रही हूँ। यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है। बोलिए मैडम। K13 की मलिका मैडम के साथ आप रहती थी ना? तो उस घर की कोई स्पेयर की आपके पास है क्या? हमें उसकी जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसलिए चेकिंग करनी थी, और कुछ नहीं। ओ नहीं मैम, मैं अभी तो नहीं आ सकती। मैडम आपको तो आना ही होगा। चाबी घर पे है और मैं आउट ऑफ टाउन हूँ मैडम। ट्रैफिक में आते आते रात के 8 बज जाएंगे। कोई बात नहीं मैडम, हम वेट कर रहे हैं, आप आ जाइए। कट करो। मैम, हेलो मैम। तुमने जो शर्मनाक हरकत की है ना विजय, प्लीज। साइको हो तुम, धोखेबाज हो तुम। तुम लोगों का यही हश्र होना चाहिए। ऐसे मत कहो विजय, प्लीज। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैडम। हाँ? मिल गई मैडम, मास्टर कीज लेकर आ रहे हैं। ओह, ओके ओके, थैंक्स। वेलकम मैम। CCTV तोड़ा हुआ है, दूसरे किसी का कुरियर कोई और झूठ बोल कर ले रहा है। मतलब तू खुद नहीं मरी है, किसी ने तुझे। क्या चल रहा है ये सब यहाँ पे? अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सोचो कि अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। वैसे बैठे बैठे कितने दिन वेट करेंगे? किसी चीज के पूरा होने का इंतजार का दर्द तुम्हारे पापा के साथ रहकर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। ये पूरा साल तो ले सकता है, लेकिन ये तेरा आखिरी साल होगा।
अजीब हो तुम, हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हो। नहीं ना जी, मैंने मना किया ना, कुछ और नहीं बात कर सकती। ठीक है बस हो गया, ज्यादा नाटक मत करो। वहां कौन है बताओ? यहाँ कॉप्स आए हैं। ओके बाय। क्या बताऊं मैं, ये तो हमेशा का हो गया है, वॉचमैन ध्यान ही नहीं देते हैं। जब देखो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रोज रोज हमें ही जाना पड़ता है टंकी पे। कभी पानी देखो, कभी ये देखो, साफ सफाई भी हमें ही देखनी पड़ती है बिल्डिंग की। अरे कहाँ थी इतनी देर से? घर में ही तो थी। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? ठीक है। तेरी ननद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया? हाँ कर दिया। अब उसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ अच्छी है, पहले से तो बहुत अच्छी है। तो कितनी बार इस आदमी को बोला है हमारी रस्सी पर अपने कपड़े मत सुखाएकर। कौन है दीदी? वो K4 वाला ही है क्या? रे वही पागल है, पिछले साल कमेटी के इलेक्शन में मैं जीती थी ना, इसलिए जलकर ऐसा कर रहा है। नहीं दीदी, पुलिस आई है, क्यों बेवजह लफड़ा करना है? गीता मैडम को बताओ डरते क्यों? अरे छी, मैं नहीं डरती उसे, चल मैं उसे बताती हूँ। अरे दीदी चल, कपड़े तो लेने दो मेरे साथ। कपड़े तो लेने दो। आज खुलेगा या नहीं? कर रहा हूं मैडम। छोड़ दे, रहने दे सुको। जी मैडम। सर बोलिए मैडम। वो लड़की जब चाबी लेकर आएगी तब देखते हैं। ओके मैडम। इन फ्लैट्स के बाथरूम और खिड़कियां कहां से दिखाई देते हैं? टेरेस से देख सकते हैं मैडम। सुबह चलो चलकर देखते हैं। कमाल है, मास्टर की काम कैसे नहीं कर रही? ये सब बिल्डर ने पुराना सेट है मैडम, मोस्ट ऑफ द लॉक चेंज कर दिए गए हैं मैडम। लिफ्ट की जरूरत नहीं है क्या? ये टॉप फ्लोर है मैडम, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। सर K13 के बाथरूम की खिड़की कहाँ पर है? उस तरफ है मैडम। अच्छा संभल कर आइएगा मैडम, आज शाम को यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी अरेंज की गई है, तो ऐसे में कैमरा शायद टूट गया होगा। वी आर रियली कंसर्न अबाउट दैट, इसलिए पुलिस स्टेशन में। नथिंग टू वरी सर, मैंने और दो कांस्टेबल्स को बुला लिया है, फिर हम पूरी बिल्डिंग चेक करवा लेंगे। ओके मैडम। कुछ तो है तेरे मेरे बीच में, छोड़ ही नहीं रही है। मरने से पहले किस मुसीबत में है बताना तो चाहिए था। क्या कर दिया ये? तुम्हारा नंबर क्या है? 9597 592 602।
वहाँ ऊपर क्या है? हेलो, हेलो सर, मैं कुरियर बॉय बोल रहा हूँ। जरा सिक्योरिटी टीम तक आ सकते हो क्या? पीछे गेट तक जाने का रास्ता कहाँ से है? किस लिए? अर्जेंट बात है सर, आप आ रहे हो या मैं खुद ही आ जाऊँ? इतना ही है मैडम, और बाकी कुछ भी नहीं है। और वहाँ पीछे का रास्ता है। वहीं पर रहो ब्रो, तुम कहाँ हो ये बताओ, मैं वहीं आ जाता हूँ। मैं लाइन पर ही हूँ सर, आप आ जाइए। हेलो सर, आप कहाँ हो? अरे मैं बस आ रहा हूँ, दो मिनट। हेलो हेलो, ब्रो कहाँ पे हो तुम? हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर, अरे आपके पास पार्सल देकर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, वो उस मैडम को देना है, आप रिटर्न कर दीजिए ना। रिटर्न? ब्रो मैं खुद ही दे देता हूँ ना। सर बेवजह मुसीबत बढ़ेगी, वो पुलिस के पास जाकर क्यों झमेला? ब्रो ब्रो पुलिस वगैरह क्यों? ब्रो ब्रो आप कहाँ पे हो ये बताओ, मैं सामने आके बात करता हूँ। ब्रो आप जरा उस गिफ्ट को लेकर आ जाओ ना। ब्रो उस पार्सल को मैंने ही भेजा था, एक तरफा प्यार है यार, बात को समझने की कोशिश करो। कल उसने मुझे पब में डरा दिया था, उसने कहा था कि अगर वो पार्सल मेरे हाथ में आया तो पुलिस में फंस जाएगा, वो पार्सल मेरे घर पे नहीं आना चाहिए था, ऐसा उसने मुझे फोन किया था। प्लीज यार मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस मैटर को यहीं पे भूल जाओ। ब्रो ब्रो बोलो ना ब्रो, मेरी आवाज सुना नहीं दे रही है क्या? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, छोड़ दो इसे। थैंक्स ब्रो, आओ पास की दुकान में चल के चाय पीते हैं। अरे अरे नहीं जान दो। हाँ एक और जरूरी बात, इस नंबर पे दोबारा कॉल मत करना। ये ऑफिस का नंबर है। अरे अरे ब्रो कसम से मैं आपके इस नंबर पे कभी फोन नहीं करूंगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कसम खा के बोलता हूँ। थैंक्स अलॉट यार, सॉरी यार। अरे बॉल उस रूम में चला गया यार, जा लेकर आ, लेकर आओ, जाओ। जल्दी आओ। कमिंग मॉम। कितनी बार का हवा मत जाया करो। अरे जो पुलिस आई थी वो चली गई क्या? नहीं नहीं अभी तो नीचे ही घूम रही है। अच्छा
मुझे माफ करते पवी, मुझे पता है तू मुझे माफ नहीं करेगी, पर बस एक बार मुझसे बात तो कर ले प्लीज। प्लीज पवी, पता है तेरे आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी, इसलिए अब ये कुछ नया नहीं है, लेकिन बस एक बार मुझसे बात कर ले। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विजय को पता चल जाएगा। मुझे यहां क्यों बुलाया? दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। विजय, मैंने बुलवाया था। विजय प्लीज, इस बोझ से ना मैं मर रही हूं। आर यू जोकिंग? हु द हेल आर यू? तुम गिल्टी फील कर रही हो, इसमें मुझे क्या? बाहर में जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। विजय प्लीज, मेहरबानी करके मेरे लिए एक बार। तुम्हारे लिए? हां, अपनी फ्रेंड की प्राइवेट लाइफ के बारे में अपने नाम और शोहरत के लिए कहानी बनाकर तो उससे पैसे कमाना चाहती है, बेशरम कहीं की। थू! सुनो, ये बहुत ही गलत काम है, लेकिन तुमने जो किया है ना, मुझे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं दिया आज तक। विजय प्लीज, आई एम सॉरी। शट अप, सॉरी मत बोलो मुझे, सॉरी मत बोलो। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रही हो। अभी तक कोई बच्चा नहीं है, और पति को बिना बताए कोई बेवकूफ आना जो साथ में काम करता है, उसके कहने पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा किया, और पूछने पर बच्चे के लिए, परिवार के लिए। बट विजय जी, बकवास बंद करो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मुझे। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मैं चेकअप के लिए नहीं आया। सो बगैर बच्चे के नहीं रह सकते, या फिर वेट नहीं कर सकते? पति बाहर काम करता है ये सोचकर किसी और के साथ रात बिताया, और सती सावित्री बनती हो तुम, और बताना चाहती हो कि बहुत त्यागी हो तुम। विजय, नो। विजय, विजय, इस बुक को एक बार पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पागल हो तुम? उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब इसमें लिखा है। इसने जो कुछ किया तुमने मुझसे छुपाया, और इसकी कहानी बनाकर पूरी दुनिया को सुना दी। इस बुक में तुम्हारी कहानी है, ये किसी को नहीं पता है विजय, प्लीज। लेकिन मुझे पता है ना, लेकिन इसने जो हरकतें की है मैं जानता हूं ना, और इस समय वो आनंद सबको मेरी कहानी के बारे में बता रहा होगा। बट थैंक्स टू यू, अगर तुम नहीं होती तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता मुझे। विजय प्लीज, स्टॉप इट। पागल हो तुम, दोनों पागल हो, तुम साइको और तुम धोखेबाज हो। आई कांट बिलीव दिस इज ऑल हैपनिंग। अभी पता चला क्यों तेरे पास कोई नहीं रहता? बिकॉज यू आर अ मॉन्स्टर। इस दुनिया में सिर्फ आनंद और मुझे जो बात पता थी, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था, दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने तुझे बताया, तुम पर विश्वास था। आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीवन। मैंने जिसके लिए ये सब किया उसने पूरी तरह मिटा दिया। तेरे आसपास जो रहते हैं उनके अंदर भी एहसास होते हैं, इस बात को तू कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तेरे लिए सब कुछ कहानी है, और सभी उस कहानी के कैरेक्टर्स। मैं तुझे श्राप देती हूँ, यू विल रिग्रेट दिस। हेलो, कहाँ हैं आप मैडम? मैम, मुझे 45 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। ओके मैम, आ जाइए। ओके मैम। तूने अपने बारे में जो बताया, उस बात को इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये कहानी लिखी थी ताकि तुझे न्याय मिले। मुझे तो लगा था कि कभी किसी को सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने सोचा था कि अब तक विजय को भी नहीं पता होगा। पता है, एक लेखक एक कहानी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे लिए कोई माफी नहीं है।
किसी स्ट्रेंजर के पास बात करने में कोई हिचकिचाट तो होती है, और वो भी अगर साइकेट्रिस्ट हो जो इस तरह के कुर्ता पहन के बैठा हो तो थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। बट आपको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर यू। आप ही की तरह एक और शख्स था जो पहले डिप्रेशन में था, वो बाहर आ गया है। मैं कैसे किसी अनजान से बात करूं? कोई अनजान नहीं है, डिप्रेशन से बाहर आया व्यक्ति है, एक दूसरे को पता भी नहीं चलेगा, अब उससे बात कर सकते हो। हाय हाय, यहाँ क्यों आए? हाँ, यहाँ क्यों आए? आप यहाँ क्यों आई हो? मेरा जब किसी से बात करने का मन होता है तो मैं यहाँ आती हूँ। अब बताओ आप यहाँ क्यों आए? डिप्रेशन। किसने कहा कि आप डिप्रेशन में हैं? ये कैसा सवाल है, मुझे खुद पता है, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला है। और आपको क्यों लगता है कि आप किस वजह से डिप्रेशन में हैं? मैं अकेला रहता हूं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अगर मैं किसी से बात करूं तो गुस्सा आता है। ओके, पर किसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसा दूसरे चाहते हैं अगर हम वैसा नहीं रहें तो यह कोई बीमारी नहीं है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ हर कोई मिलजुल कर नहीं रह सकता है। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, ना तो यह कोई बीमारी है। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? एक थी, आई लॉस्ट हर। फिलहाल आपके बारे में ही बात करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं? मैं फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, कहानी लिखी है, प्रोड्यूसर का वेट कर रहा हूं। आप कहानी लिखते हैं? कहानी लिखना मेरी जिंदगी है। एक कहानी लिखी, 10 दिन शूट भी हो गई और फिर ड्रॉप हो गई। अब उसके बाद मैं दोबारा लिख रहा हूं। राइटर्स ब्लॉग? हाँ, आपको कैसे पता? मैं भी लिखती हूँ। ओ, फिल्में लिखती हो क्या? नहीं, सिर्फ आपकी ही बात करते हैं ना प्लीज। पर लिखने के लिए तो अकेलापन ही चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट की क्या जरूरत? 10 साल से मैं इसी फील्ड में हूं, ये सब कुछ नहीं होगा, इस बात की चिंता से मैं लिख नहीं पाऊंगा, खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा। आपको कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया? कई बार आया। तो आप इससे बाहर कैसे आ गई? ये किसने कहा कि मैं बाहर आ गई? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपका नाम क्या है? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी। मदन, मदन अरोरा। आपका नाम क्या है? हेलो, सुनिए, हेलो, क्लाइमेक्स एकदम बकवास है। अरे क्लाइमेक्स क्या, पूरी फिल्म ही बकवास है, टोटल पैसा वेस्ट है भाई, कोई मत देखो। हाँ, एकदम बंडल फिल्म बनाई है, एकदम फालतू। फिल्म सुपर है यार। हेलो, फिल्म कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी है।
एक्चुअली मैंने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। अच्छा आपने? जी हाँ। लोग इस फिल्म के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, आपकी क्या राय इस बारे में? मेहनत करके 2 साल हो चुकी फिल्म है और वो दोनों 2 मिनट में बात करके जा रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। एक्चुअली मैंने इस फिल्म में हाय फ्रेंड्स, बहुत हाइट है, चलो अंदर चलते हैं। आजा 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 आजा। अरे अरे यहाँ क्यों आया? चलो भाई, आजा आजा आजा। चलो 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 चलो। अरे चल यार, अरे चलो भाई, चल यार, सही है। हाय फ्रेंड्स, बहुत हाइट है, चलो अंदर चलते हैं। आजा 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 आजा। ये आजा आजा आजा। सही है यार, नहीं। अरे आओ ना यार, अरे ना यार, चल 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 चल। Waiting for my boyfriend. Hey, take it easy, director sahab. Sorry, okay. नशे में, you know, sorry. नहीं वैसे. It's okay. मैंने यहाँ के लिए मना किया. हाँ? तुम्हें अभी क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया क्या? अभी तुम्हें क्या चाहिए बताओ. ट्रिक क्वेश्चन है क्या? यही मान लो, बोलो क्या चाहिए अभी? अभी मेरे इस माइंड में अच्छी कहानी सूई है, सुनते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, एकदम अलग, डिफरेंट, अब तक ना आई हो। जब मैं यहां पर आया तो एकदम बेमन से आया था, बट यू नो, फिर देखते देखते यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। मैं कुछ हेल्प करूं? लाइन मैं खुद सोचूंगा, मैं खुद सोच कर उसे बनाऊंगा ना, तो उसमें वो रहता है। स्टिल लेट मी बी एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन? तुम सुपर इंस्पिरेशन हो, मुझे पता है, बट यू नो बाकी ये सारी बातें। माय प्लेस। अभी ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को बता के आता हूं। उन्हें मेरे बारे में मत बताना। और हम दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। अल्पे की पैदा सिग्नल। ना तुम्हारे बारे में बताऊंगा और तुम्हारे घर पे जा रहा हूं ये भी नहीं बताऊंगा, उसके बाद वहां जो होने वाला है वो भी नहीं बताऊंगा। कितनी देर लगेगी पहुंचने में? बस 5 मिनट, यहां पास में ही मेरा घर है। ओके, तुम अपने बारे में बताओ ना। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यहाँ अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ। उसकी कोई खास वजह नहीं है, बस वो मुझे पसंद नहीं करते और मैं उन्हें पसंद नहीं करती। आई हैव माई ओन रूल्स। ऐसा है क्या? मुझे अपने पेरेंट्स से अलग होकर पूरे 6 साल हो चुके हैं। एक्चुअली इस टैटू से आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हुई थी। लक। मेरी एक ही फ्रेंड थी और मैंने उसे भी खो दिया।
और वो भी मेरी राइटिंग की ही वजह से। पर राइटिंग तो मेरी जिंदगी है। मेरी भी। पता है कभी कभी हमें अपने पैशन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। करेक्ट। पता नहीं ये क्या है, एक साल से मैं कुछ नहीं लिख पाई। आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। एक ही तो नशा था मेरी जिंदगी में। उसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। सेम बेंच। तुम्हें जो परेशानियां हैं वो मुझे भी हैं, बट क्या कर सकते हैं। कुछ भी सोचे बिना हम खुश रह सकते हैं। लेकिन एक क्या, एक एक नई कहानी मिली है मेरी गलती का प्रायश्चित करने के लिए। ऑल द बेस्ट। अरे क्या क्या बात है मदन। सुनाई दे रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है? किताब पढ़ने वाली हो? दूसरों की कहानी पर मैंने किताब लिख दी और उनकी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं अपनी जिंदगी का एक खास दिन तुम्हें दे रही हूँ, ये समझ लो कि अपनी जिंदगी दे रही हूँ। अभी कहानी जरूरी है। मैं तुम्हारी कहानी के लिए एक इंस्पिरेशन जरूर बनूंगी। ओके मदन। तुम्हारे अगले कुछ घंटे तुम्हारे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन होंगे। पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। बोलो ना। तुम्हारी फिल्म में, मतलब अगर तुमने फिल्म बनाई तो मेरी कहानी पर बनाओगे, मल्लिका वर्मा नाम से। बनाऊंगा। प्रॉमिस। नाम डालना है ना। एक फिल्म क्या, अपनी हर फिल्म में डालूंगा, कसम से। ओके तुम्हारा नाम मल्लिका। मल्लिका हाँ वर्मा। मल्लिका वर्मा नाम ही लिखोगे, प्रॉमिस करो, ठीक है?
तुम पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? इस मुसीबत से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तुम मेरे लिए नहीं मरी, तुमने अपने लिए मेरे लक्ष्य को दांव पर लगा दिया। कोई विश्वास करेगा जब मैं किसी से यह कहूंगा? इंस्पिरेशन भाड़ में क्या? मैंने तुमसे कहा था क्या? फेसबुक में 1000 स्टेटस डालते हैं उसके लिए? तुम्हें बहुत तलब थी तो उसके लिए तुम ऐसा करोगी क्या? तुम मर गई और मैं बुरी तरह से फंस गया। मेरी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने खुद ही K3 का CCTV कैमरा तोड़ दिया। मैं फंसना चाहूं इसलिए तुमने यह सब प्लान करके किया है? मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा, यह तुम्हें विश्वास था? जैसा तुमने सोचा था, मैं यहां से निकल रहा हूं। कल तुम्हें खुलकर अपने दिल की बात कहनी चाहिए थी। Traveling for work. अभी सब ओके है ना? Thank you. Yeah, yeah. Otherwise, I'm with her. Yeah, yeah. Definitely. Pavitra. Hello, ma'am. चाबी लेकर आई है ना? Yes, ma'am. अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? लिफ्ट के लिए हमेशा पावर बैकअप होता है, ma'am. Oh, ठीक है. पता नहीं आजकल ये लाइट बार बार क्यों चली जाती है. अरे वो ट्रांसफार्मर में पानी डाल रहे हैं ना? अच्छा. अभी जनरेटर ऑन होने वाला है या नहीं? अरे रुकना यार, डीजल डाल रहा हूँ, उसके बाद ही ऑन करेंगे ना। मेरी कहानी मल्लिका वर्मा नाम से ही जानी चाहिए, प्रॉमिस करो, ठीक है ना? अरे सॉरी सर, आप ही हो ना? यहाँ क्या कर रहे हैं सर? ठीक है सर, ठीक है, सर। पार्टी में सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने आपको लेकर आने के लिए कहा है। मेरी पार्टी इधर है सर, प्रोड्यूसर बुला रहे हैं सर। अरे तू इधर क्या कर रहा है? इस वक्त तो सक्सेस पार्टी बहुत बड़ी बात होती है और तू यहाँ खड़ा हुआ है, सब लोग वहाँ तेरा वेट कर रहे हैं, जा वहाँ। नहीं सर, मैं जा रहा हूँ। अरे समझ बात को, तू वैसे भी कभी किसी से मिलता जुलता नहीं है, जा जाकर एंजॉय कर। चल चल चलते हैं। नहीं सर, मैं निकलता हूँ सर अभी। अरे इधर आ। थैंक्स, ये ले एडवांस, मेरी अगली फिल्म तू ही करेगा। ठीक है सर। थैंक यू। हीरोइन भी आ गई। सॉरी लेट हो गई।
अंदर सब तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू सो मच सर, सब इनकी वजह से हुआ है। हाँ तो चलो अंदर चलते हैं। ओके सर, आती हूँ। सर आप नहीं आएंगे? नहीं मैं निकल रहा हूँ। अरे कितनी बार तो पूछ लिया मैंने उससे, सुनता ही नहीं है। क्या यार ये सक्सेस पार्टी में भी नहीं जा रहा है, फिल्म में आने के बाद हीरोइन